जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उछाला एक सिक्का, वहां से निकले 12 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। यह बिल्कुल सच है। दरअसल मामला साल 2021 का है। आपको याद होगा 2021 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था इटली में। इटली की राजधानी रोम में तमाम दुनिया के दिग्गज जुटे थे और इस वक्त एक तस्वीर सामने आई थी जब एक फाउंटेन के सामने तमाम राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी दिखाई दी थी और वो फाउंटेन का नाम है ट्रेवी फाउंटेन। दरअसल एक ऐतिहासिक जगह है रोम की ट्रेवी फाउंटेन और माना यह जाता है कि इस ट्रेवी फाउंटेन के पास खड़े होकर कोई भी शख्स अगर अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे के ऊपर से सिक्का उछालता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है, उसे एक बार फिर रोम आने का मौका मिलता है। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक सिक्का उछाला था साल 2021 में। तस्वीरें दुनिया ने देखी भी थी। लेकिन एक साल बाद जब उस फाउंटेन से सिक्के कलेक्ट किए गए तो वहां से 12 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के सिक्के निकले, 15.2 लाख डॉलर। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि ये एक बड़ी तादाद में जितने भी पर्यटक वहां पहुंचते हैं उनके लिए रोमांचक जगह होती है और एक ऐसी जगह जहां दूर दूर से पर्यटक पहुंचते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। खास बात यह भी है कि यहां से जो पैसा निकलता है इसे जनहित के काम में लगाया जाता है, एक फूड बैंक चलाया जाता है ताकि लोगों की सेवा हो सके, उनके खाने पीने का इंतजाम हो सके। लेकिन ये बात अब तब चर्चा में एक बार फिर से आई है जब उस फाउंटेन से सिक्कों की काउंटिंग हुई है और पता ये चला है कि 12 करोड़ 59 लाख से भी ज्यादा के सिक्के उस फाउंटेन से अब मिले हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में एक सिक्का उछाला था।